गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन SCC 204 वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द डार्क रूम, द गिफ्ट ऑफ द मैजिक। आई हैव ऑलरेडी सेंट यू वीडियो ऑफ द सेम एंड आई टोल्ड यू टू गो थ्रू द स्टोरी, वो तो आपको नेट पे भी मिल जाएगी। और द डार्क रूम आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन डिटेल, गुड इनफ डिटेल हमने उसकी की है और उसको आप आराम से प्रिपेयर भी कर सकते हो, विच इज़ वेरी सिंपल स्टोरी दैट इज़। आज हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आई वॉज वेटिंग फॉर द बुक्स बट वो आ नहीं रही हैं, तो मैं क्या करूँगी, आई डिस्कस विद यू एंड आई सेंड यू नोट्स ऑफ द सेम। नोट्स भी मैं आपको सेंड कर दूँगी, पिक्स सेंड करूँगी, तो आपने उनको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और उन टर्म्स को प्रिपेयर कर लेना है। कुछ एक टर्म्स हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, उन टर्म्स को करने से पहले हम तीन चीज़ों के बीच में जो है डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। वन इज़ अ नॉवल, सेकंड वन इज़ पोइट्री, थर्ड वन इज़ ड्रामा। अब आपने जो है ऑलरेडी आपने देखा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है, इट इज़ अ ड्रामा रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड नाउ अडेज वी आर गोइंग थ्रू ओलिवर ट्विस्ट हमने शुरू किया है, ठीक है। ओलिवर ट्विस्ट तो एक नॉवल है, तो अगर आपको कोई ड्रामा और नॉवल का पैटर्न पूछता है या प्ले और नॉवल का पैटर्न पूछता है तो आप आराम से बता सकते हो ना, प्ले में क्या है, एक्ट है, सीन है। नॉवल में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्ले में डायलॉग्स रहते हैं, नॉवल में ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉवल नॉर्मल प्रोज में लिखा जाता है। एंड अगर हम पोइट्री की भी बात कर लेते हैं तो पोइट्री में राइम रिदम का ध्यान रखा जाता है, कुछ एक टर्म्स को यूज़ किया जाता है, कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और पोइट्री में एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो किया जाता है। लेकिन जो मॉडर्न पोइट्स हैं वो उस पैटर्न को वायलेट कर रहे हैं। वो जैसे पहले के पोइट्स होते थे ना, वो उनका नॉर्मल ध्यान कहाँ रहता था, जैसे आपने रामायण का पाठ कहीं सुना होगा तो लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो मैच करते हैं, उस तरह से उनकी क्लोजिंग होती है। नॉट कमिंग टू माई माइंड वॉट आर दे कॉल्ड, जो लास्ट में आपकी मैचिंग ऑफ वर्ड्स होती है, रिदम राइम का ध्यान रखा जाता है, तो आपका जो है पोइट्री में वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन जो मॉडर्न पोइट्स हैं, जैसे आपने गर्ल पोइम पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, उसके बाद आपने येलो फिश पढ़ी है एंड आपने उसके बाद प्रेयर फॉर माय डॉटर पढ़ी है, तो तीनों में डिफरेंस है ना। गर्ल और येलो फिश जो है और बोसम फ्रेंड, दे लुक लाइक प्रोज पोइम्स, प्रोज पोइट्री कंपैरिजन उसमें है, टर्म्स उसमें यूज़ हो रही हैं, लेकिन बेसिकली वो प्रोज पोइट्री है जिसमें प्रोज की फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन वी फाइंड इट, वी कम टू नो इट इज़ अ पोइम, डेफिनेटली पोइम है। और अगर आप ड्रामा की बात करो तो ड्रामा जो है विलियम शेक्सपियर का आपने पढ़ा हुआ है, तो उसमें डायलॉग जो है वो कैरेक्टर का नाम है, उसके साथ जो है वो डायलॉग लिखा जाता है, एक्टर सीन का यूज़ होता है, ठीक है। कैरेक्टर के प्रेजेंटेशन के लिए एक पर्टिकुलर मोमेंट होता है, कई बार ड्रामा में एक इंटरलोक्यूटर रहता है। जब ड्रामा का अराइवल हुआ था, सैनिकन ड्रामा की अगर हम बात करें बहुत पीछे से, जब अराइवल हुआ था ना तो क्या होता था, एक इंटरलोक्यूटर होता था जिसको सूत्राधार आप बोलते हो, तो वो लोग जो मारकाट के सीन है, दे वर नॉट प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज, तो वो क्या बताता था कि जैसे राम रावण का युद्ध हुआ, युद्ध में बहुत से सैनिक मारे गए और अंत में राम ने सीता को लाया, तो वो क्या बताता था, इंटरलोक्यूटर जो है वो उस सिचुएशन को बताता था जो ब्लडशेड वाली होती थी, लास्ट में सीता और राम का जो है वो लास्ट में बताया जाता था कि वो इकट्ठे आ गए, तो इन सीन्स को अवॉइड किया जाता था, वायलेंट सीन्स को अवॉइड किया जाता था, तो वो जो एक इंसान बीच में जो चीज़ों को लिंक करने का काम करता था वो रहता था। सो इट वॉज द डिफरेंस बिटवीन नॉवल, ड्रामा एंड योर पोइट्री, जो हमने इन जनरल हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एक पोइटिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो पोइट्री या ड्रामा में आराम से यूज़ होती है, पोइट्री में वो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं, तो आप उनको फाइंड आउट भी कर पाओगे कि पोइट्री में वो टर्म्स कहाँ कहाँ पे किस तरह से यूज़ होती हैं। फर्स्ट वन वील डिस्कस इज मेटाफर एंड सिमिली, बोथ आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, दोनों तुलना के लिए यूज़ होते हैं, पोइट्री में यूज़ होते हैं, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन मेटाफर में आप एज और लाइक का यूज़ नहीं करते हो। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, शी लुक्स लाइक अ रोज, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें एज का या लाइक का यूज़ हुआ तो क्या हो गया, ये होगी सिमिली, लेकिन शी इज़ अ रोज, एज शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, लाइक जैसे आपको एक एग्जांपल मैं कोट कर रही हूँ, ही वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, देर ही सॉ अ पैंथर, फुल स्टॉप, द पैंथर पाउंस्ड अपॉन हिम, ही वॉज अ रियल लायन देयर, लाइक का यूज़ नहीं किया मैंने, ही वॉज़ अ रियल लायन देयर, जो पैंथर के साथ भिड़ गया, ठीक है, इसी को हम लोग सिमिली में लाते हैं। ही वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, देयर ही सॉ अ पैंथर एंड ही फॉट विद द पैंथर एंड वन, लाइक ही फॉट विद द पैंथर लाइक अ लायन, शेर की तरह, तो क्या हो गया आपकी वो सिमिली होगी। तो इस तरह के जो कंपेरिजन हैं वो आपकी पोइट्री में
हैं आपके सेकेंड ईयर के पोइम्स में, सारे कंपेरिजन यू विल फाइंड. नेक्स्ट इज मेटोनिमी. ग्रीक में इसका मतलब होता है चेंज ऑफ द नेम, यानी कि एक इंसान या पर्टिकुलर डेजिग्नेशन को आप कैसे शिफ्ट करते हो, दूसरे वर्ड्स के साथ कैसे रिप्लेसमेंट देते हो. ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज है जहाँ पे आप एक चीज़ का नाम चेंज करके, यू जस्ट फिक्स्ड विद द नेम ऑफ वन थिंग इज़ यूज्ड फॉर दैट ऑफ अनदर एसोसिएटेड विद इट. जैसे एक एग्जांपल है द क्राउन एंड द स्कैप्टर. द क्राउन इंडिकेट्स अथॉरिटी, स्कैप्टर जो है वो अथॉरिटी को इंडिकेट करता है. तो इट इज़ दे वी आर टॉकिंग अबाउट अ किंग एंड हिज पावर. ठीक है. देन देयर इज़ एन एग्जाम्पल फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, राइट फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ. क्रेडल इज़ एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड, पालना. ग्रेव इज़ जो हमारे जो कब्र के लिए यूज़ होता है, राइट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ टू डेथ हमने कब्र किया है, लेकिन बर्थ टू डेथ हमने बोला नहीं, हमने क्रेडल टू ग्रेव बोला है. उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टर्म है विच इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इज़ ऑक्सीमोरोन. इट इज़ पॉइंटेडली फुलिश, ऐसी स्टेटमेंट जो बेवकूफ़ी से भरी है, जो हमें लगता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट कर सकती है या कहीं पर वो फिट हो सकती है. सो इट इज़ अ पैराडॉक्स. पैराडॉक्स क्या होता है, दो वर्ड्स होंगे बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरे के, ठीक है, वे आर टू अपोजिंग टर्म्स, दे आर ब्रॉट टूगेदर एंड द साइट अपीयर्स टू बी इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन. और हमें लगता है कि दिस कॉम्बिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल. आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम. जैसे इसमें एक एग्जाम्पल मेरे पास कोटेड है, फेदर ऑफ लेड. लेड इज़ अ वेरी हैवी मेटल, लेकिन फेदर तो बहुत लाइट होता है, तो फेदर ऑफ लेड. देन ब्राइट स्मोक, हाउ कैन स्मोक बी ब्राइट, स्मोक तो डल होता है. एंड देन इज देर इज़ अ कोल्ड फायर. कोल्ड फायर वो डज मीन, इट मीन्स ठंडी वाली आग, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल. कॉन्ट्राडिक्ट्री है ना, ये बिल्कुल पॉइंटेडली फुलिश स्टेटमेंट्स को कोट किया गया है. एंड सिक हेल्थ, दे आर ऑल दीज वर्ड्स दे इंडिकेट ओनोमेटोपोरिया. देन आयरनी, आयरनी होता है डिसेंबलिंग, यानी कि ऐसी चीज़ जो आप कहना कुछ और चाह रहे हो लेकिन मैसेज वो कुछ और जा रहा है. इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वट एक्चुअली वन सेज वट एक्चुअली मीन्स. जो हम कह रहे हैं ना इसका वो मतलब नहीं है, ठीक है. जैसे मान लो कोई इंसान जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो हम अगर उसको बोल रहे हैं लुकिंग वेरी कंफर्टेबल, वेरी चिल्ड, यू नो, आप आज जो बड़े रिलैक्स लग रहे हो, तो क्या है, व्हाट इज़ इट, इट इज़ एन आयरनी. तो इस तरह की आयरनी के एग्जांपल जो हैं आपको वो पोइट्री में भी मिलेंगे और आपको ड्रामा में भी मिलेंगे. सो एस टी कॉलरिज का एक बड़ी फेमस पोइम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. अगर आपको कभी टाइम लगे तो गूगल पे सर्च करके देखना, इसकी समरी रीड करना. यू फील लाइक ट्रांसपोर्टेड टू अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ मैजिक. उसमें एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ चारों तरफ पानी है, एक जहाज़ पानी में फंसा हुआ है, लेकिन वो पानी जो है वो दैट इज़ ऑफ नो यूज़. तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. मीन्स यू आर सराउंडेड बाई वाटर एवरीवेयर बट ऑल द बोट्स हैव श्रंक. पानी में किसी भी चीज़ को डालोगे ना तो वो फूलेगी, इम्बाइबेशन होती है उसमें, उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती. वो चीज़ क्या होती है, एक्सपैंड करती है, वो खुल जाती है. कभी भी देख लेना आप, डाल के मान लो आप लकड़ी का पीस डालते, दो दिन के बाद चेक करोगे वो फूल जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या है, वाटर इज़ देयर इम्पैक्ट ऑफ जो मैजिक था, तो वो क्या था, जो जहाज़ के आसपास का पानी था ना वो तो बह रहा था, लेकिन जितना पानी, सपोज इतना सा जहाज़ है, जैसे मैं अपने थंब और फिंगर से इंडिकेट कर रही हूँ ये जहाज़ है, इसका जो इसके नीचे का जो पानी था वो सड़ गया, वो स्टिल हो गया, आसपास पानी बह रहा है. मैजिकल इम्पैक्ट वाली पोइम है. तो क्या हो गया, ऑल द बोट्स डिड श्रिंक. बोट्स हो गए श्रिंक, ऊपर से तीखी धूप. एंड वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. और वो पानी कैसा था, वो सड़ गया. जब वो पानी खड़ा हो गया तो वो पानी सड़ गया, सो इट वॉज़ नॉट वर्थ ड्रिंकिंग. वो पीने के लायक ही नहीं था पानी. तो दिस इज़ वॉट वी कॉल आयरनी. यानी कि कहा कुछ और जा रहा है. जब हम पानी का रेफरेंस देते हैं तो पानी का रेफरेंस क्या होता है, पानी का रेफरेंस इज़ लाइफ गिवर. हम लाइफ गिवर मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइफ टेकर टाइप में एग्जांपल है कि पानी तो है लेकिन आप पी नहीं सकते, आप कुछ कर भी नहीं सकते. नेक्स्ट टर्म इज़ योर वेरी सिंपल टर्म इज़ दैट, दैट इज़ ओनोमोटोपोइया. इट इज़ नेम मेकिंग. ओनोमोटोपोइया होता है सर्टन स्पेसिफिक साउंड्स आर इंडिकेटेड थ्रू, यू नो, सम वर्ड्स आर रिटन एंड दिस साउंड्स आर इंडिकेटेड थ्रू दोज वर्ड्स. हिसिंग, यू कम टू नो इट इज़ एसोसिएटेड विद स्नेक. रेटल, जो खड़खड़ा हट की आवाज़ होती है, वी कॉल रेटल स्नेक इज देयर. बैंग, समवन बैंगड एट द डोर, समवन बैंग द डोर विद फुल फोर्स, पूरे जोर से दरवाज़ा छोड़ना, दैट इज़ कॉल्ड बैंगिंग. एंड
लास्ट नंबर ऑफ अदर वर्ड्स आर ऑल्सो देयर विच वी फील लाइक यू नो क्रीकिंग साउंड इज देयर, क्लिंकिंग साउंड इज देयर. सो ऑल दीज थिंग्स दे क्लियरली इंडिकेट कि किस तरह की आवाज़ें होंगी. सो दिस इज़ वॉट वी कॉल इट ओनोमेटोपोइया. एंड एक चीज़ और है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी शॉर्ट स्टोरीज हैं या टेल्स हैं वो, और जो हमारी पोइट्री व्हेन इनिशियली नथिंग वॉज रिटन, यू नो, तो जो शहर के लोग थे दे न्यू प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड एंड दे वर गेटिंग यू नो वो, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स उनको हैंड रिटन भी मिलता था. गांव में जो लोग थे उनका लिटरेचर कैसे सर्वाइव करता था, ओरल ट्रांसमिशन से वो पोइट्री भी हो सकती थी और वो जो शॉर्ट स्टोरीज भी होती थी. तो जो आपके दादा दादी कहानी सुनाते हैं या कोई फोक सॉन्ग सुनाते हैं वो ओरल ट्रांसमिशन वाला है. आज तो देखो फोक सॉन्ग्स आर बीइंग कंपोज, और वो जो भी सॉन्ग कंपोज हो रहे हैं व्हाट आर दे, वो जो सॉन्ग है वो क्या है, आपके ओरली ट्रांसमिट है लेकिन वो रिकॉर्डेड हैं, वो रहेंगे कहीं पे. लेकिन जो फोक सॉन्ग थे पुराने टाइम के फोक सॉन्ग थे तो वो कहाँ सर्वाइव किए, वो लोगों के साथ ही सर्वाइव किए हैं. तो वो आपने ध्यान रखना है. एंड सम लेट मी सी वेदर सम अदर टर्म्स आर देयर नॉट, वी हैव गॉन थ्रू सर्टन टर्म्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. छोटी छोटी वो टर्म्स हैं तो हमने उन टर्म्स को आज किया है. आई एल सेंड यू नोट्स ऑफ द सेम, उसकी क्लिक भी मैं आपको भेज दूँगी, हो सकता है वो मैं पहले ही भेज दूँ क्योंकि बुक्स आर स्टिल नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज ऑफ पोइट्री की कुछ लाइन्स उठा के मैं आपको वो डिटेल सेंड करूँगी. सो यू हैव टू गो थ्रू द कंटेंट. और एक मैं आपको फिर से बात बोल रही हूँ, यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बाय चांस आपके लिंक मिस हो जाते हैं. आई टॉक टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर, तो बाय चांस अगर लिंक मिस हो गया यू वोंट बी एबल टू फाइंड माय वीडियोस एनीवेयर, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको. तो बेटर यू सब्सक्राइब टू द चैनल. अब हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस हो ही चला है, वन ऑफ आर बुक ऑफ 202 ख़त्म हो चली है, दूसरी बुक ख़त्म हो चुकी है. 203 की हमारा जो है काफ़ी सिलेबस वाइंड अप हो चुका है, 201 का भी हमारा प्रॉपर चल रहा है, 204 का भी आर गोइंग थ्रू एंड 205 वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड. तो सारे के सारा सिलेबस जो है ना पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रैक में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है. बट इफ यू वोंट जस्ट लिसन टू द थिंग एंड यू वोंट गो थ्रू द कंटेंट प्रॉपरली, हमारा इतने एफर्ट्स डालने का कोई फायदा नहीं होगा. सो फर्स्टली लिसन टू द वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, साथ में जो है अपना रिटन मटेरियल भी अपना प्रिपेयर करते रहो, बिकॉज जैसे ही कॉलेज खुलेंगे यू विल श्योरली बी इन ट्रबल, क्योंकि जितने एफर्ट्स आज चल रहे हैं उतने नहीं होंगे. वो होगी फिर हमारी रिविजन, तो रिविजन हमारी तभी हो पाएगी इफ़ विल गो थ्रू द कंटेंट राइट नाउ. अब हम कंटेंट को प्रॉपरली स्टडी करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे. सो गुड डे.